कि हरियाणा से जी इस बीजेपी को काट दो, इस खट्टर को काट दो, और कहते हैं इसने हमें दुखी कर लिया, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, महंगाई है, और हमारे मुख्यमंत्री जी तो सुभान अल्लाह है, वो अनर्गल बयान देते हैं, जनसंवाद के नाम पे लोगों को धमकाते हैं। तो अगर किसी भी प्रदेश का मुखिया ऐसा होगा तो आप ये सोचिए कि उस प्रदेश का क्या हाल। विधायक मिड्डा तो ये कह रहे हैं जितने काम उन्होंने करवाए हैं इतने काम तो पिछले 15-20 साल में नहीं हुए जींद में। ऐसा है, यहाँ तो विकास कार्यों की जो झड़ी लगी हुई है वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। किसी भी रोड पे निकल जाइए, मुझे बताइए कौन सी रोड साबुत है। जगह जगह जो लाइट्स हैं उसकी व्यवस्था देखिए कितना बुरा हाल है। अगर जींद को चारों तरफ से, वो हमेशा बात करते हैं देखिए ये हाईवे बन गया, जींद को इस राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ दिया गया, लेकिन मुझे बताइए उसमें हरियाणा सरकार की कहाँ से भागीदारी है। वो केंद्र का प्रोजेक्ट रहा है। आप जींद जिले की बात करिए, अस्पताल का यहाँ बुरा हाल है, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन पता नहीं कितने सालों पहले आई थी, लेकिन डॉक्टर की सुविधा ना लोगों को मिली, ना अल्ट्रासाउंड होता है, उसके लिए पेशेंट्स को बाहर भेज दिया जाता है। इसके अलावा रोड्स का मैंने आपको बताया, आपको सुरक्षा के बारे में बताइए कि कितने टाइम से हम मिड्डा साहब से डिमांड कर रहे हैं कि जींद में सीसी कैमरों की व्यवस्था की जाए, क्या हुई? गलियों का बुरा हाल है, आवारा पशु जगह जगह घूमते हैं। तो अगर इसको विकास कार्य कहते हैं, और इसके अलावा तो सीवरेज का तो आप देखें सुभान अल्लाह, गलियों में जाना मुश्किल है जब सीवरेज ओवरफ्लो होते हैं। उन लोगों को मैं बहुत बहुत उनको ये कहना चाहूँगी जो लोग वहाँ रहते हैं, उनकी हिम्मत है कि वो जींद जैसे शहर में ऐसी गलियों में रहते हैं। पंजाब को फतेह करने और गुजरात में कांग्रेस को धरातल पर लाने में अहम भूमिका निभाने वाली आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी मजबूत दस्तक देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल 8 जून को जींद से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने जा रहे हैं। उस दिन जींद में बड़ा रोड शो करेंगे। मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन। तो पूछते हैं कि महिलाओं को लेकर क्या पार्टी की रणनीति है और 8 जून के रोड शो के बारे में बात करेंगे। मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार करमपाल जी, और पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आपको बधाई हो, आपको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, महिला सेल का प्रदेश अध्यक्ष बना जी। इसके लिए मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील गुप्ता जी का और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संदीप पाठक जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, और उनको विश्वास दिलाती हूं कि जो मुझे महिला संगठन की जिम्मेदारी दी है मैं अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी जी। और उसमें महिलाओं की बड़ी अहम भागीदारी रही जी। और जितने भी महिला वोटर थे वो मतलब झाड़ू को लेकर महिलाएँ निकल पड़ी जी। हरियाणा की क्या योजना आपके पास है? देखिए हरियाणा की योजना हमने पूरी अच्छे से बना रखी है। आम आदमी पार्टी, आप मतलब पिछले अगर बहुत सालों का रिकॉर्ड भी निकाल के देखिए कि जो हमारे पार्टी का 10 साल से एक छोटी सी पार्टी से शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा युवाओं को और महिलाओं को साथ में लेके चले। उन्होंने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया। दिल्ली में हमारी सरकार आते ही महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की गई, चाहे वो पूरे प्रदेश से छोड़ो पूरे देश से किसी भी क्षेत्र की महिला हो, दिल्ली के बसों में आपको पता ही है कोई भी किसी यात्रा शुल्क नहीं लगता है। महिलाओं के लिए उन्होंने सीसी कैमरों की व्यवस्था करवाई, और आपको अभी कुछ समय पहले की बात बताऊँगी महिला सशक्तिकरण में उन्होंने कितना अच्छा कदम उठाया। उन्होंने जो बसें थी, दिल्ली की बसें थी, उनमें ड्राइवर और कंडक्टर महिलाओं को ऐसी बसें मतलब दी जिसमें सिर्फ महिला ही ड्राइवर होगी, महिला ही कंडक्टर होगी। एक तो उसमें उन महिलाओं को रोज़गार मिला, और आप ये देखिए जब वो महिला बसें महिला ही चलाएंगी तो महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगी। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा आप कहाँ तक कैसी मानती हैं? देखिए मैं आपको आपको भी पता है कि हरियाणा इस टाइम पे महिलाओं के लिए अपराध में नंबर वन है। सुरक्षा की आप बात पहले तो मैं सबसे पहले आती हूँ सुरक्षा की बात, हरियाणा में तो जो बीजेपी सरकार के मंत्री हैं वहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमारी एक महिला कोच जो इतनी जिम्मेदारी से काम करती है, वो खेल मंत्री संदीप सिंह पे इतने गंभीर आरोप लगाती है, यौन शोषण के आरोप लगाते हैं, उसके बाद भी बीजेपी सरकार अपने मंत्री को बचा रही है। तो देखिए कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये देते हैं, लेकिन उसको कहाँ से ये उसको मतलब कामयाब कर रहे हैं। आप देखिए मंत्री को बचाने के लिए ये उसको
किस तरह से महिला कोच को दबाया जाया गया है, और उसके साथ साथ इतने जनता की पुरजोर मांग पे, दूसरी पार्टियों के मांग पे उस मंत्री को अपने पद से अब तक हटाया भी नहीं गया। और महिलाएं जो खिलाड़ी हैं उन्होंने एक बड़ा आरोप भाजपा के सांसद पर लगाया है, उस पर भी अब तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं तो यही कहूंगी कि भाजपा का पूरा मंत्री पद कहिए या पूरे पदाधिकारी कहिए, गुंडे मवालियों की सरकार है। यहाँ पे हरियाणा में खेल मंत्री के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, उधर से सांसद बृजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो हमारी बेटियां, मैं उनको पहलवान नहीं कहूंगी क्योंकि पहलवान से पहले वो हमारी बेटियां हैं, वो उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाती हैं, उन आरोपों के बावजूद भी सरकार अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, उल्टा बेटियों की पिटाई की जाती है, उनको घसीटा जाता है। मुझे बताइए, ये बेटियाँ जो कल तक हमारा राष्ट्रीय गौरव थी, आज से सरकार की सिर्फ दुश्मन इसलिए बन गई कि उन्होंने सरकार के सांसद पे ये आरोप लगा दिए, कहाँ का न्याय है? तो इससे शर्मनाक बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। अब हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा में जैसे दिल्ली में महिलाओं ने टीमें थी, अलग अलग टोलियाँ बनाई और एक एक डोर टू डोर खटखटाया और पार्टी का कैंपेन किया, क्या हरियाणा की क्या रणनीति है आपकी? जी बिल्कुल, हमारी हरियाणा की महिलाएं भी बहुत क्रांतिकारी महिलाएं हैं, महिलाओं ने बहुत अच्छे से देख लिया कि आम आदमी पार्टी में किस तरह से हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं को साथ लेके चलते हैं, वो महिलाओं को किसी भी तरह पीछे नहीं रखते हैं। कब तक कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा? देखिए, काफ़ी हद तक हमारी कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, मैं आपको बताऊँगी, आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, हमारी 18 जिलों से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बन चुकी हैं, हमारी स्टेट बॉडी का गठन हो चुका है, बहुत सारे जिलों में हमारी वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन सेक्रेटरीज भी हो गई हैं, बाकी जो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, बाकी का संगठन, मतलब आप ये मान के चलिए एक महीने के अंदर अंदर पूरा महिला संगठन बहुत मजबूती से खड़ा होने वाला है। जी, आपने जींद में एक मजबूत दस्तक दी थी निकाय चुनाव में जी, और अब आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है जी, और जींद से ही अरविंद केजरीवाल रोड शो करने जा रहे हैं, जींद को ही क्यों चुना गया? जींद की पावन धरती से आप इतिहास निकालिए, ये अपने आप में रोड शो नहीं है, ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी का जींद वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को एक संदेश है, एक वो बिगुल बजाने जा रहे हैं 2024 के इलेक्शन का, शंखनाद करने जा रहे हैं। और आपने पुराना इतिहास भी देखा होगा कि जींद की धरती को ये वरदान मिला हुआ है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी ने अपने यहाँ से यात्रा की शुरुआत की तो आने वाले समय में सीएम उसका बना। जींद के लोगों ने इतनी पार्टियों को सीएम दिए, लेकिन आप देखिए जींद की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जींद सिर्फ रैलियों का गढ़ रहा, जींद में विकास कार्य जीरो हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जींद पे मतलब जींद के लोगों ने अपना काम तो किया लेकिन उनका हक उनको नहीं मिला। तो अरविंद केजरीवाल जी जींद के लोगों से वादा करने आ रहे हैं कि जो अपनी वो यात्रा की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, वो विकास कार्यों में जींद की जनता उनको आशीर्वाद देते हैं, एक मौका देती है, और पूरे हरियाणा की जनता भी, तो सबसे पहले जो अपने विकास कार्यों की शुरुआत जींद से करेंगे। जींद के विधायक मिड्डा तो ये कह रहे हैं जितने काम उन्होंने करवाए हैं, इतने काम तो पिछले 15-20 साल में नहीं हुए जींद में। ऐसा है, यहाँ तो विकास कार्यों की जो झड़ी लगी हुई है वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, किसी भी रोड पे निकल जाइए, मुझे बताइए कौन सी रोड साबुत है, जगह जगह जो लाइट्स हैं उसकी व्यवस्था देखिए कितना बुरा हाल है। अगर जींद को चारों तरफ से, वो हमेशा बात करते हैं देखिए ये हाईवे बन गया, जींद को इस राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ दिया गया, लेकिन मुझे बताइए उसमें हरियाणा सरकार की कहाँ से भागीदारी है, वो केंद्र का प्रोजेक्ट रहा है। आप जींद जिले की बात करिए, अस्पताल का यहाँ बुरा हाल है, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन पता नहीं कितने सालों पहले आई थी, लेकिन डॉक्टर की सुविधा ना लोगों को मिली, ना अल्ट्रासाउंड होता है, उसके लिए पेशेंट्स को बाहर भेज दिया जाता है। इसके अलावा रोड्स का मैंने आपको बताया, आपको सुरक्षा के बारे में बताइए कि कितने टाइम से हम मिड्डा साहब से डिमांड कर रहे हैं कि जींद में सीसी कैमरों की व्यवस्था की जाए, क्या हुई? गलियों का बुरा हाल है, आवारा पशु जगह जगह घूमते हैं, तो अगर इसको विकास कार्य कहते हैं, और इसके अलावा तो सीवरेज का तो आप देखें सुभान अल्लाह, गलियों में जाना मुश्किल है, जब सीवरेज ओवरफ्लो होते हैं उन लोगों को, मैं बहुत बहुत उनको ये कहना चाहूँगी जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी हिम्मत है कि वो जींद जैसे शहर में ऐसी गलियों में रहते हैं। अभी संगठन का जब विस्तार चल रहा था, पूरे हल्के के गाँव में भी गई, शहर में भी घूमी, किस तरह का रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी को मिल रहा है? क्या लोग
मतलब इस पार्टी को अपना पाएंगे, आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल अपना पाएंगे जी। मैं देसी भाषा में लोगों की बात बताती हूँ, मेरे को सीधा एक लाइन में गांव-गांव में जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ एक ही बात बोलते हैं कि हरियाणा से जी इस बीजेपी को काट दो, इस खट्टर को काट दो। और कहते हैं इसने हमें दुखी कर लिया, हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, महंगाई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो सुभान अल्लाह है, वो अनर्गल बयान देते हैं, जनसंवाद के नाम पर लोगों को धमकाते हैं। तो अगर किसी भी प्रदेश का मुखिया ऐसा होगा तो आप ये सोचिए कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा जी। और इसके रोड शो के बारे में किस तरह बताओ, कितना लंबा होगा, कहाँ से शुरू होगा, क्या उसके बारे में प्लानिंग है जी? ये जो रोड शो है जींद के कुंदन सिनेमा से शाम को 3 बजे शुरुआत इसकी की जाएगी, और ये कुंदन सिनेमा से होता हुआ SD स्कूल पे इसको रोड शो को ख़त्म किया जाएगा। रोड शो नहीं, ये तिरंगा यात्रा है। और मैंने आपको बताया ये पूरे हरियाणा वासियों के लिए एक संदेश है कि आम आदमी पार्टी अब मैदान में आ गई है। अब आम आदमी पार्टी जो उनकी नीतियां हैं, अगर आपको हरियाणा वासियों को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएँ चाहिए, बुज़ुर्गों का सम्मान चाहिए, औरतों का सम्मान चाहिए, और सबसे ज़रूरी अपने बच्चों के लिए रोज़गार चाहिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक मौका केजरीवाल जी को। तो वो हरियाणा वासियों से यही निवेदन करने के लिए आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थी मेरे साथ आम आदमी पार्टी की हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन। हमारे साथ बने रहिए, 8 जून को लाइव दिखाएंगे हम। धन्यवाद।